महंगी क्रीम पर ना बर्बाद करें पैसा, इन कुदरती चीजों के प्रयोग से थम जाएगी बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र के निशान हमारे चेहरे पर भी दिखने लगते हैं। हम बढ़ती उम्र से तो दूर भाग नहीं सकते, लेकिन कुछ प्राकृतिक चीजों के जरिए चेहरे पर दिखने वाले उम्र के निशान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एस्ट्राबेरी बायोसाइंसेज के त्वचा विशेषज्ञ और निदेशक चल आर्य बताते हैं कि 30 वर्ष के बाद चेहरे पर उम्र का असर दिखने लगता है और अधिकांश महिलाएं पहले जैसी जवान त्वचा पाने के चक्कर में एंटी एजिंग वाली क्रीमों पर हजारों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन कुछ प्राकृतिक तत्वों के जरिए त्वचा को जवान बनाए रखा जा सकता है। जोजोबा ऑयल, जोजोबा ऑयल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। यह फाइन लाइनों और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा कठोर और सूखी होने लगती है। ऐसे में जोजोबा ऑयल हमारी त्वचा को रिपेयर करता है। इससे त्वचा मुलायम हो जाती है और जवान दिखने लगती है। अनार एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण अनार शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को बेअसर करता है। इसमें मौजूद एंटी एजिंग के गुण त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत कर उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। यह झुर्रियों और ढलती त्वचा में भी जान डालने का काम करता है। इसलिए जवान त्वचा पाने के लिए अपने आहार में अनार को जरूर शामिल करें। आप चेहरे के पैक में भी इसका उपयोग कर सकती हैं। रेटिनोल्स, रेटिनोल्स कोलेजन के उत्पादन में वृद्धि करके फाइन लाइनों और झुर्रियों को कम करता है। साथ ही त्वचा में नए रक्त वाहिकाओं के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है, जो त्वचा के रंग में सुधार करता है। उम्र के साथ त्वचा पर पड़ने वाले धब्बे और पैच को कम करने में मदद करता है। इसके नियमित इस्तेमाल से झुर्रियों में स्पष्ट सुधार होने में 3 से 6 महीने लगते हैं और सर्वोत्तम परिणामों के लिए 6 से 12 महीने लगते हैं। शिया बटर, शिया बटर में विटामिन ए, डी और ई होता है, जो त्वचा की रक्षा में मदद करता है। त्वचा को दृढ़ और तंग दिखने के दौरान फाइन लाइनों और झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद करता है। शिया बटर में एंटी ऑक्सीडेंट्स और फाइटोस्टेरॉल की स्वाभाविक रूप से अच्छी मात्रा होती है, जो त्वचा को पोषण देती है। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल झुर्रियों को कम करता है। इसके एंटी एजिंग गुण में त्वचा में नई कोशिकाओं को जन्म देने की क्षमता होती है।